डियरली बिलवड चिल्ड्रन, मेरे बहुमूल्य बहुत ही प्यारे बच्चों, आर यू रेडी टू फेस द एग्जाम? क्या आप परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं? आर यू एम्पावर्ड एंड ओवरपावर्ड एंड ऑप्रेस्ड बाय फियर? क्या डर आपको जकड़े हुए है, आपको दबा कर रख रहा है? डू नॉट बी अफ्रेड, तो आप भयभीत ना हो। जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्यार करते हैं। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, परफेक्ट लव कैस्ट आउट फियर, सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्यार करते हैं। यू आर हिज चाइल्ड, आप उसकी संतान हैं। आई वांट टू प्रे विद यू राइट नाउ, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वुड यू जॉइन मी, क्या आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे? माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, फादर, पिता, योर सन, पुत्र, योर डॉटर, आपके बेटे, आपकी बेटी, इज प्रेइंग अलोंग विद मी, मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। लॉर्ड, वी एग्री इन प्रेयर, प्रभु हम प्रार्थना में सहमत होते हैं। व्हाटएवर फियर योर सन योर डॉटर हैज बीन टॉर्मेंटेड विथ, आपके बेटे और आपकी बेटी जिस किसी डर के कारण सताव में परेशानी में हैं, लॉर्ड आई प्रे दैट यू विल रिमूव दैट फियर। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आप इस सारे डर को दूर कर दीजिए। इफ देयर इज अ फियर दैट दे हैव रॉन्गड यू एंड दैट दे वुड नॉट बी एबल टू आस्क फॉर योर हेल्प, और प्रभु अगर ये डर में है कि इन्होंने आपके विरुद्ध में कुछ गलती की है और ये आपसे कोई मदद नहीं मांग सकते हैं, I pray that you will forgive their sins. तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इनके पापों को क्षमा कीजिए। Embrace them. इन्हें गले लगा लीजिए। Kiss them. इन्हें चूम लीजिए। Let every weakness and fear leave them right now, Lord Jesus. हर एक कमजोरी, हर एक डर अभी इन्हें छोड़कर चले जाए प्रभु यीशु। And give them great strength. प्रभु जी आप इन्हें बड़ा बल दीजिए, बड़ी सामर्थ्य दीजिए प्रभु। Empower them with your love. इन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु। And give them grace to understand everything that they read. और जो कुछ भी ये पढ़ते हैं प्रभु उसे समझने के लिए आप इन पर अनुग्रह कीजिए। Let it come into their mind. इनके मन में ये उतरने पाए। And give them the power to go and write the exam well. प्रभु इन्हें सामर्थ्य दीजिए कि ये जाकर अच्छे से अपनी परीक्षा के पर्चे लिख सके। Let all that they have prepared come into their mind. और जो कुछ भी इन्होंने तैयारी की है ये सब इनके मन में आने पाए। Hold their hands, Lord. इनके हाथों को थाम लीजिए प्रभु। You write the exam. आप इनकी परीक्षा लिखिए प्रभु। Give them excellent success. आप इन्हें बहुत ही उत्तम सफलता दीजिए। Excellent success. बहुत ही उत्तम सफलता। And give them admission in the right course. और सही कोर्स में इन्हें एडमिशन दीजिए। In the right college. सही कॉलेज में दीजिए। Take them to great heights. इन्हें महान ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। Let your will be perfected. और प्रभु आपकी इच्छा इनके जीवन में सिद्ध होती जाए। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious darling children. मेरे बहुमूल्य प्यारे बच्चों। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। As you are going to write your exams. जैसे आप अपनी परीक्षा लिखने वाले हैं। I'll be praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Please let me know the wonderful results God is going to give you when you get the results. जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो परमेश्वर ने आपको जो अद्भुत रिजल्ट बता दिया है वो आप निश्चय हमें बताइए। Send me an email. आप मुझे ईमेल भेजिए। Or call the prayer tower. या प्रेयर टावर पर फोन कीजिए। Even during the exam you can call the prayer tower anytime. यहाँ तक कि परीक्षा के समय आप किसी भी समय प्रेयर टावर पर फोन कर सकते हैं। And also my friends, और साथ ही मेरे दोस्तों, if you have not joined the Jesus Calls Young Partners Plan, अगर आप Jesus Calls के Young Partners Plan में नहीं जुड़े हैं, this is the time to join it. तो ये समय है कि आप इसमें जुड़ जाएं. As you join the plan and become a young partner. जैसे आप इस प्लान में जुड़ते हैं और आप यंग पार्टनर बनते हैं, यू विल बिकम अ ब्लेसिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल, तो आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। एंड वी विल बी प्रेइंग दैट गॉड विल ब्लेस यू, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष दे। इन द प्रेयर टावर, प्रेयर टावर में प्रेयर इंटरसेसर्स विल बी प्रेइंग कॉलिंग योर नेम एवरी डे, हर एक दिन प्रार्थना मध्यस्थ आपके नाम को लेकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। For God to give you wisdom and great success in the exam. कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे और परीक्षा में बहुत ही उत्तम सफलता दे। For God to protect you from all evil. कि परमेश्वर हर एक बुराई से आपकी रक्षा करें। And thirdly, for God to prosper you and raise you to great heights. और तीसरी बात कि परमेश्वर आपको संपन्न करे और आपको महान ऊंचाई पर लेकर जाए। This is according to 1 Chronicles 4:10. और ये तो पहला इतिहास 4:10 के अनुसार है। If you have started sometime as a young partner, अगर आपने पहले कभी
यंग पार्टनर के लिए शुरुआत की थी एंड यू हैव नॉट कंटिन्यूड और आप उसमें निरंतर बने नहीं रहे हैं, यू कुड फुलफिल योर वाव नाउ, तो अभी आप अपने वादे को पूरा कर सकते हैं। सो कॉल द प्रेयर टावर और गो टू द प्रेयर टावर एंड एनरोल योरसेल्फ। इसलिए आप प्रेयर टावर में फोन कीजिए या फिर व्यक्तिगत रूप में प्रेयर टावर में जाकर खुद का नामांकन कीजिए और गो टू द वेबसाइट www.jesuscalls.org या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.jesuscalls.org पर एंड एनरोल योरसेल्फ और खुद का नामांकन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और कॉल दिस नंबर ऑन द स्क्रीन या फिर स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर फोन कीजिए एंड somebody will help you और कोई ना कोई आपकी मदद करेगा and the lord will honor you परमेश्वर आपका आदर करेंगे god bless you प्रभु आपको आशीष दे looking forward to hearing from you आपकी ओर से उत्तर पाने की बड़ी अपेक्षा के साथ में हम राह देख रहे हैं।